बार की बात है, एक घने जंगल में एक लोमड़ी और सारस दोनों दोस्त हुआ करते थे। सारस एकदम सीधा साधा और लोमड़ी एकदम चालाक। सारस रोज नदी से मछली निकाल के लोमड़ी को खिलाता, पर लोमड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोमड़ी सब जानवरों का मजाक उड़ाती, उसने सारस को भी नहीं बख्शा। इस बार उसने सोचा कि सारस को ही बेवकूफ बनाया जाए, इसीलिए उसने सारस को अपने घर दावत पे बुलाया। सारस बहुत सीधा साधा था, इसलिए वह दावत पे जाने के लिए मान गया। सारस लोमड़ी के घर दावत पर पहुंच गया। उसने देखा कि दावत में खीर बनी है। लोमड़ी ने गर्मा गर्म खीर दो प्लेट में परोसी। लोमड़ी जानती थी कि सारस की चोंच लंबी होने के कारण वह खीर नहीं खा पाएगा। लोमड़ी ने खीर खाना शुरू कर लिया। बीच बीच में वह सारस को देखती और कहती, खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट खीर है। सारस को लोमड़ी की चाल समझ आ गई। बेचारा सारस भूखा ही रह गया और अपमानित होकर घर को लौटने लगा। घर लौटने से पहले उसने भी लोमड़ी को दूसरे दिन दावत पर बुलाया। लोमड़ी बहुत खुश हुई कि सारस के घर खाना खाने को मिलेगा। सारस दुखी होकर अपने घर भूखा ही लौट गया। दूसरे दिन लोमड़ी बहुत खुश होकर सारस के घर जा पहुंची। सारस ने भी खाने में खीर ही बनाई। सारस ने खीर को दो सुराही में परोसा। खाना परोस कर सारस ने लोमड़ी से खाना शुरू करने का आग्रह किया। सारस बड़े ही मजे से खीर खाने लगा और लोमड़ी ने देखा कि उसका मुंह उस बर्तन के अंदर जा ही नहीं रहा था। लोमड़ी ने खीर खाने की बहुत कोशिश की, पर वह बिल्कुल भी खीर को खा नहीं सकी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, पर वह सारस से कुछ भी कह नहीं पाई और चुपचाप देखती रही। सारस बड़े ही मजे से खीर खाता रहा और बीच बीच में लोमड़ी से खाने का आग्रह करता रहा। लोमड़ी को भी सारस के जैसे ही भूखा घर लौटना पड़ा। हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ भी होता है।